जहां देश की जनता आज कई बीमारियों से लड़ रही है, वहीं भारत सरकार के रोग मुक्त करने की मुहिम भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बलिया में एनजीओ के माध्यम से लोगों को आयुर्वेद से जोड़ने की तत्परता दिखाई जा रही है, जिसमें अथर्व वेलफेयर सोसाइटी, जहां अथर्व वेलफेयर के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया। देश के वर्तमान समय में गरीब तबके के लोग किस तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, यह हर कोई जानता है। लेकिन यह भी नकारा नहीं जा सकता है कि लगभग हजारों लाखों घरों में पेट भरने के साथ साथ बीमारियों से लड़ रहे लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। खाने के लिए रोटी के पैसे हो या ना हो, लेकिन बीमारी के इलाज के लिए कहीं ना कहीं से मेहनत मजदूरी करके पैसे जुटा रहे हैं। कई घर तो ऐसे हैं जो इलाज के लिए कर्जे में डूब गए हैं या इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई है। अब देखना यह है कि लोगों के इलाज के लिए एनजीओ अथर्व वेलफेयर सोसाइटी कितना कारगर साबित होता है। एनजीओ के माध्यम से लोगों को बेहतर इलाज, कम कीमत पर दवा, अंग्रेजी इलाज और दवा पर आयुर्वेद का इलाज कितना सक्षम है। अथर्व वेलफेयर सोसाइटी के जरिए स्वाइन फ्लू, मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे संक्रामक बीमारियां हेतु जन जागरूकता एवं औषधि वितरण के लिए संस्था के कार्यकर्ताओं को ये मुहिम बलिया के 36 लाख आबादी वाले शहर में हर लाइलाज को पहुँचाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिसे लेकर इस संस्थान ने प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया है, जहाँ सैकड़ों लोग और संस्था के कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह का आगाज दीप जलाकर किया गया था। मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी। ये केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन अथर्व सोसाइटी के अंतर्गत अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। अब तक जनपद में जो भी आयुर्वेद चिकित्सा थी, उसकी स्थिति क्या रही है जनपद में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, हालांकि जनपद की बात हम करें तो आयुर्वेद चिकित्सा की स्थिति इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, दवाओं की सप्लाई के मामले में बहुत अच्छी नहीं रही, और चिकित्सक भी बहुत कम संख्या में हैं। तो ये तो जनरल स्थिति है, एलोपैथ में भी, आयुर्वेद में भी, होम्योपैथ में भी। लेकिन सरकार अगर उसको धीरे धीरे डेवलप करना चाहेगी तो वो आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस सोसाइटी के माध्यम से हम लोगों के बीच में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल बढ़ा पाएंगे। हाँ, चिकित्सा और मैनेजमेंट ये आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। वही अभी हमने अपने वहाँ उद्बोधन में भी कहा कि अगर इम्प्लीमेंटेशन सही से हो आयुर्वेद का और लोगों की मानसिकता थोड़ी बदल जाए तो आयुर्वेद का बहुत विकास हो सकता है, लोगों को फायदा भी उससे बहुत हो सकता है। एड्स है, आपके हेपेटाइटिस है, चाहे कैंसर है, इन सब का तो इलाज है ही है, लेकिन जो मुश्किल से ठीक होने वाली बीमारियां हैं, किसी भी तरह का अर्थराइटिस हो, कुछ भी हो, पुराने और भी बीमारियां हो, पुराने बुखार हो, ये सब का इलाज जो है आयुर्वेद में है। अस्थाई तो स्थाई है और प्रभावी है। आपको यह आत्मविश्वास बढ़ा है कि हमारे विभाग के प्रति जो सरकार का रुझान था वह इस सरकार में कुछ बढ़ा है? निश्चित बढ़ा है, जिससे जनता को भी लाभ हो और आप की मतलब इस विधा को भी कुछ न कुछ बल मिलेगा। इसी यही सोच करके तो आयुष मंत्रालय अलग से बनाया गया है जी, जिसमें कि प्राचीन पद्धतियां उसमें सम्मिलित हैं, और इसीलिए उसको स्वास्थ्य मंत्रालय से अलग करके आयुष मंत्रालय के गठन का उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद के, यूनानी के, होम्योपैथ के, सिद्ध के जितने भी पैथियाँ हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और उनके माध्यम से जनता को लाभ पहुँचाए। उत्तर प्रदेश से राणा प्रताप सिंह की रिपोर्ट।